हेलो एवरीवन, मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर। गाइस, आज आप लोगों का बस छोटा सा थोड़ा सा समय लेना चाहूँगी। आप लोग कहते हो ना, मैम रीजनिंग में शॉर्ट वीडियोस बहुत हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया, जिसमें मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाली हूँ। ओके, तो आज की जो ट्रिक आपके काम आएगी वो है काउंटिंग फिगर्स से रिलेटेड, जो कि आपके SSC में, रेलवे में और आपके सारे जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स है उसमें काम आने वाली है। सो गाइस, देखते हैं ये हमारा जो आज का ट्रिक है छोटा सा वो क्या है। देखिए, सबसे पहले गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा होगा जो है ट्राइंगल्स का, ठीक है। इस तरीके का जब फिगर हमें दिखाई देता है, कई सारे एग्जाम्स में आता है, तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से निकालें, बिल्कुल एक सेकंड का ट्रिक है, मैं बता रही हूँ। लिटरली आप कहोगे ना, मैम ये तो कहने वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं, एक सेकेंड का ही ट्रिक है, बस इसको समझ लो। जैसे फिर अगली बार से जब आप ये फिगर देखोगे ना, तो तुरंत से आपके सामने आंसर आ जाएगा। जब आप इस फिगर को देखोगे तुरंत, हमें दिमाग भी सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो गाइस, जब ऐसा फिगर आता है तो यहाँ पे हमसे ट्राइंगल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी लॉन्ग ट्रिक भी अपने पास, लेकिन अपन को लॉन्ग ट्रिक तो फॉलो करनी नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, देखिए। जब यहाँ पे देखो, आप लोग हमेशा क्या करना है, आपको आपको इतना चेक करना है कि ये जो ट्राइंगल्स है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके पार्ट कितने हैं, कितने पार्ट्स हो रहे हैं इसके। तो ये आपका पहला ट्राइंगल है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, आप चेक कर लो। ये भी आपका पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, मतलब इसको लाइंस कितने पार्ट्स में काट रही हैं साइड से देख लीजिए। और पहली चीज़ एक बात ध्यान रखना है, ये सिमेट्रिकल फिगर होता है, दोनों तरफ से एक जैसा होता है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अब आप लोग यहाँ से देखोगे ना, तो ये देख लो ध्यान से कि यहाँ पे आपके तीन पार्ट्स में कट रहा है दोनों साइड से। जितने भी, इसकी ट्रिक ये होती है कि जितने भी आपके पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स, आप उनका क्या कर लोगे, जितने भी आपके नंबर ऑफ पार्ट्स है ना, आप उसका क्या करोगे बताओ, क्यूब कर देना, क्यूब, क्यूब यानी कि घन, ठीक है। यहाँ पे हमने घन तीन पार्ट्स में काटा, तो थ्री का हम लोग क्यूब करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 27, ठीक है। बस क्या करना था बताइए यार, 27 तो एक मिनट में आ जाएगा आंसर, एक सेकेंड में, मिनट भी बहुत बड़ा होता है। जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है उतने पार्ट्स का क्यूब करना होता है, दोनों साइड से सेम होते हैं हमेशा, ऐसा कभी नहीं होगा कि अलग अलग हो, सिमेट्रिकल फिगर बनेगा ही नहीं। तो एक और आप लोगों के सामने मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, अगर आप इसको करना चाहो तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे भी आप लोगों को ट्राइंगल्स ही निकालने हैं। कैसे निकालेंगे देखें, सेम मेथड है, आप लोग देख लो, चार पार्ट्स में कट हो रहा है ना, ये ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 है कि नहीं, बताओ, चार पार्ट्स में ये हमारा कट हो रहा है, ठीक है। तो जितने पार्ट्स में ये कट हो रहा है, ठीक है, उसका हमें क्यूब करना पड़ता है, तो बस क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ पे चार पार्ट्स थे, चार का हम लोगों ने क्यूब कर दिया, तो हमारे पास आ गया 64, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 64। अब बताओ काम की ट्रिक थी कि नहीं, ऐसा जब भी फिगर आप लोग को दिखाई देगा आप लोग को इसे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक फिगर आप लोग को यहाँ पे दूंगी, जिसको आपको करना है, निकालना है, आपको आंसर भी बताना है, अगर हो सके तो उसमें आप लोग को ट्रिक भी बताना होगा, ठीक है। ये जो हमारा फिगर है गाइस, है ना, इसमें आप लोगों को ट्रिक भी बताना है या फिर आपको आंसर भी बताना है कि कैसे आया, कितना आया। जो लोग मेरी क्लास डेली करते हैं उन लोगों के सामने आंसर तुरंत आ जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और ऐसे एक एक मिनट की बहुत सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों को ज़रूर बताने वाली हूँ। सो गाइज, यहाँ पर आप लोगों को जुड़े रहना है इस चैनल पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ आप लोगों को कि भाई, जो लोग भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ, या फिर आप लोग के फायदे की बात भी बता रही हूँ कि जो लोग भी मेरी फ्री क्लासेस करना चाहे वो लोग मेरे साथ डेली एन अकेडमी पे कर सकते हैं। और टाइमिंग नोट कर लीजिए, मॉर्निंग में 11 AM आपकी क्लास है, शाम को 4 बजे है, और रात को 8 बजे से आप लोग की क्लास रहती है, ठीक है, और रात को 10:15। ये सारी क्लासेस रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है और SSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ फ्री क्लास कर सकते हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस नाम सर्च करना पड़ेगा भाई मैम का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नाम सर्च कर लो, ठीक है। जैसे आप ये नाम सर्च करोगे ना, फॉलो कर लोगे, तो मेरी फ्री क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी। और जो लोग भी मैम का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग भी प्लस पे मैम का कोर्स लेना चाहते हैं, तो उस समय प्लस पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं, आप चाहें तो SSC के जो है बैच पे जा करके मेरा बैच ले सकते हो, 10 AM पर इस समय प्लस की क्लासेस भी चल रही हैं। तो आप लोग SSC के अगर प्लस पे जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोगों को कोड क्या यूज़ करना है, RITIKA10, RITIKA10, ठीक है, प्लस अपने कॉइन्स, दोनों से मिलाकर आपका जो अमाउंट है वो 20% तक लेस हो जाएगा, ठीक है। RITIKA10 प्लस कॉइन्स यूज़ करोगे तो आप लोग का जो अमाउंट है वो 20% तक लेस हो जाएगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको मैम का कोड यूज़ करना है RITIKA10, ठीक है। तो गाइज, आप सभी लोग मेरे इस सवाल का जो मैंने आपसे पूछा है जवाब दीजिए, और ऐसे ही टॉप के ट्रिक्स में आप लोगों को कुछ और भी बताने वाली हूँ जो दूसरे दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होंगे। इस तरीके से एक काम भी कर सकते हो आप लोग कि ट्रिक
एक छोटा सा ट्रिक का कॉपी बना लो यार, जो जो भी ट्रिक मैम बताती जाए उसको वहाँ पे नोट करते जाओ। ये क्या होता है ना, फाइनली जब हम लोग फिर एग्जाम देने जाते हैं ना, तो यही हमारे एट द एंड काम आती है, क्योंकि फिर उस समय तो हमारे पास होता नहीं है कि हम पूरा वीडियो देखें। फाइनल हम ट्रिक्स पे एक थोड़ी सी नज़र डाल लेंगे, पेपर में आ गया, काम हो गया ना यार, एक मिनट का पैसा वसूल, है ना। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहिए, फ्री क्लासेस में जुड़िएगा, नाम सर्च कर लीजिएगा रितिका तोमर RITI KATUMAR। जैसे आप लोग उस फ्री क्लास में जुड़ोगे, आप लोगों को सारी अच्छी अच्छी क्लासेस वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक्स।